हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के कतरे। सो गाइस, बेसन के कतरे बनाने के लिए मैंने एक कटोरा भर के बेसन लिया है। अब गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे लोहे की और इसमें डाल देंगे बेसन। और अपनी क्वांटिटी से आप डाल सकते हैं, चाहे तो डेढ़ कटोरी, या आप गैस को ऑफ़ कर लेंगे, अभी ऑन नहीं करना है। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, और गैस को ऑन नहीं किया है अभी मैंने। और इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, और पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो घोल का बैटर थोड़ा गाढ़ा ही रहेगा गैस, अगर आप इस तरीके से जमाएंगे तो सच मानिए आपकी पनीर की सब्ज़ी भी इसके आगे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगेगी। इस प्रोसेस से आप जमाएंगे बेसन को, आपका जमेगा बेसन, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके जो लम्स हैं, गुठलियाँ हैं, वो इसकी ख़त्म कर देनी है। तो गैस आप कचली से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हाथ से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हाथ से इस तरीके से सारी गुठलियों को सही कर देना है, तो इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो इसका बैटर थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, और अगर आप इसका बैटर थोड़ा पतला करेंगे तो आपका जमेगा नहीं। ये बेसन का थोपा इसको बोलते हैं गाइस, आप क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। तो बेसन का थोपा या कतरे, इसी तरीके से जो भी आप बोलते हो, तो आप ये रेसिपी अगर आप बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है, और बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और इसका आप नाश्ता अगर आप देंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब लीजिए, मैंने लाइटर ले लिया है हाथ में, अब गैस को ऑन कर दिया है। अब इस तरीके से इसको चलाएंगे, और चलाते चलाते ये गाढ़ा होता चला जाएगा। तो जैसे ही ये गाढ़ा होएगा तो इसको गैस को करना है लो फ्लेम पर, तो इस जो कि बेसन जो है कच्चा ना रहे। तो इस तरीके से घोल भी गाढ़ा है और बेसन कच्चा भी ना रहे, तो गैस को थोड़ा लो फ्लेम पर कर देना है। कढ़ाई में चिपकेगा भी नहीं, और आप इस तरीके से आप बढ़िया परफेक्ट जमा सकते हैं। तो लीजिए, आप देख सकते हैं कि बेसन में लम्स आ गए हैं, और इस तरीके से जब चलाते रहेंगे तो इसको बैटर अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आप गाइस मेरी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, कौन से जगह से देख रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। और ये बेसन जमाने की रेसिपी आपको कैसी लगी? इस तरीके से अगर आप बेसन जमाएंगे तो आपका परफेक्टली जमेगा। तो अगर नहीं जम रहा है तो आप मेरे कमेंट में बताइएगा। और आप देख सकते हैं कि गैस को मैंने लो फ्लेम पर रखा है, उसको मैं बराबर चलाती रही हूँ, रोकना नहीं है, कचली को बराबर चलाते रहना है, और चारों तरफ से समेट के इसको अच्छे से कर लेना है। थोड़ा बहुत जम जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसको जब ग्रेवी बनाएंगे उसमें मैनेज हो जाएगा, बेसन आपका बिल्कुल भी पेस्ट नहीं होगा। और इस तरीके से आप जमा सकते हैं, तो परफेक्ट आप देख सकते हैं कि ये जमने लगा है। तो नीचे से कढ़ाई छोड़ देता है, और इस तरीके से इसमें बुलबुले उठने लगते हैं। तो ये परफेक्ट बेसन जम चुका है। तो लीजिए, मैं एक थाली ले रही हूँ, थाली अपने हिसाब से ले सकते हैं, तो चाहे तो दो थालियों में भी जमा सकते हैं, मैं एक ही थाली में थोड़ा सा मोटा जमा रही हूँ। तो इस तरीके से कचली से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसमें सारा बेसन जो मैंने बनाया है वो इसमें थाली में रख लेंगे। और इस तरीके से कचली में भी लगा है, उसमें भी चाकू से निकाल कर आप निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत कढ़ाई में लगा रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने अभी बताया था जब आप मसाले की ग्रेवी बनाएंगे तो हो जाएगा। तो अब इस चाकू से इस तरीके से इसको निकाल लेंगे, और देर नहीं करनी है, बस परफेक्टली हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, थोड़ा सा पानी, और इसको जमा देंगे। तो पतला पतला कर देंगे पूरी थाली में, इस तरीके से मैंने थोड़ा सा मोटा ही जमाया है। तो इस तरीके से थोड़ा सा गर्म है, और अच्छे से दबा दबा कर इसको जमा देंगे। तो अब इसको पंखे की हवा में रख देंगे, और ये पंखे की हवा में इसको ठंडा कर लेंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो इसके पीसेस आप मन जहाँ आकार उसका काट सकते हैं, चाहे तो बर्फ़ी आकार में काट सकते हैं, चाहे तो लंबे आकार में भी काट सकते हैं। इस तरीके से कई जगह अगर आप इसको रसाजे भी बोलते हैं, तो कढ़ी अगर बना रहे हैं तो इस तरीके से जब इसके कतरे बनकर तैयार हो जाते हैं तो आप इस तरीके से कढ़ी में भी डाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से जम गया है। ये जमाने का ट्रिक आपको कैसी लगी? अब जो कढ़ाई में बेसन बचा हुआ है इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और बेसन सारा समेट लेंगे, और समेटने के बाद एक कटोरी में निकाल कर रख लेंगे। तो लीजिए, ये जमकर तैयार हो गया है, ठंडा भी हो गया है, पंखे की हवा में भी रख दिया है, इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है दो प्याज, और ग्राइंडर में डाल देंगे, चाहे तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं, ऑप्शन में है। अब इसको मैंने पीस लिया है, और जो बेसन कढ़ाई में था वो इस तरीके से निकाल लेंगे, इससे छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ये कितने बढ़िया पीसेस लग रहे हैं, देख के ऐसा लग रहा है कि मुँह में पानी आ रहा है, स्पंजी कितने बढ़िया बने हैं। और इस तरीके से आप गाइस बेसन को जमा सकते हैं। तो आपको बेसन की जमाने की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने ली हैं दो हरी मिर्च, आप देख सकते हैं कि अच्छे से जमकर तैयार हो गया है। दो हरी मिर्च ली हैं, इसको मैंने पीस से कटिंग कर ली है, अलग नहीं किया है। इस तरीके से अगर आप डालेंगे तो बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं, और इसका नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इस तरीके से गाइस आप बेसन के चौका बना सकते हैं। अब डालेंगे कढ़ाई में ऑयल, कड़वा तेल, क्वांटिटी के अनुसार डेढ़ चम्मच मैंने डेढ़ चमचा मैंने डाला है।
तो ये गरम हो गया है। अब गरम होने के बाद, क्योंकि बेसन में भी मैंने नमक डाला है, इसमें क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखनी है। ग्रेवी के लिए मैंने तेल की झार ख़त्म हो जाए इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और नमक डालने के बाद इसमें जो प्याज की मैंने ग्राइंड कर लिया था मिक्सर में, तो वो इसमें गुलाबी गुलाबी भून लेंगे। तो इस तरीके से गाइस ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसमें डाल देंगे दो हरी मिर्च, क्वांटिटी मिर्च की अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। तो स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक ले लिया है। अब इस तरीके से प्याज परफेक्ट भुनकर तैयार हो गया है। तो लीजिए इस तरीके से अब आप ग्रेवी बनाएंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए गैस को कर देंगे लो फ्लेम पर और चारों तरफ से बेसन को समेट लेंगे। तो इस तरीके से आप रसीली भी सब्ज़ी बना सकते हैं। रसीली सब्ज़ी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। पहले आप नाश्ते में कर लीजिए बेसन का, और फिर बाद में आप जो बचे बेसन तो उसकी रसीली सब्ज़ी आप बनाएं। पनीर की सब्ज़ी से भी बढ़िया टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून से कम, थोड़ा सा पानी, टर्मरिक पाउडर आधा टीस्पून, क्वांटिटी से मिर्च आप डाल सकते हैं। तो टर्मरिक आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसमें आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला। अब इसकी ग्रेवी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। थोड़ा सा पानी डाला है, इससे ग्रेवी की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अब इसको चलाते रहेंगे। और बेसन मेरा जमकर और कटकर तैयार हो गया है, वो आप देख सकते हैं कि वो अलग रखा हुआ है। तो जो बेसन मैंने कढ़ाई में जो निकला था वो भी डाल देंगे, तो इससे ग्रेवी की मसाला थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मसाला परफेक्ट तैयार हो गया है। गैस को हाई फ्लेम पर करके इसको अच्छे से मसाले को तैयार कर लिया है। मसाले की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है, जो कि बेसन भी ज़्यादा है। अब आप देख सकते हैं कि बेसन भी परफेक्ट वो बिल्कुल जमा है। इसकी कटिंग आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया है। कमेंट में बताइएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से गाइस नाश्ता बनकर परफेक्टली तैयार हो गया है। इसको टमाटो सॉस से या चटनी से खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, आपको भी पसंद आएगा, और चाय के साथ खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो लीजिए बनकर तैयार हो गया है। अब इसको मैं सर्व कर लेती हूँ। अभी जाइएगा नहीं गाइस, मैं अभी रसीली सब्ज़ी भी बनाकर दिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। चावल से खाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी खाने में। तो इस तरीके से नाश्ता परफेक्ट, मसाला परफेक्ट तय है। और इस तरीके से जो बेसन का चोकर जो था उससे भी और भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ये। अब इस तरीके से गाइस आप बेसन का थोपा कतरा जो भी कहते हैं, इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। मैंने सर्व कर लिया है। मैंने लिया है टमाटो केचप, चाहे तो हरी चटनी भी आप ले सकते हैं, अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं रखी है। इस तरीके से आप लीजिए, हरी चटनी भी तैयार है। आप ये सोच रहे होंगे हरी चटनी नहीं है तो बिल्कुल स्वाद नहीं लगेगा खाने में, तो आप कमेंट में बताइएगा चटनी इस तरीके से कैसे बनाती हूँ मैं। तो इस तरीके से हरी चटनी और टमाटो केचप के साथ खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है गाइस। तो लीजिए बनकर तैयार हो गया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो बेसन जो थोड़ा सा बचा हुआ था, अब इसकी बनाऊंगी मैं रसीली सब्ज़ी। तो अब इसमें डाल देंगे गाइस पानी, पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। बेसन के कतरे की सब्ज़ी रसीली बनाने के लिए आप पनीर की सब्ज़ी से भी बढ़िया टेस्टी स्वादिष्ट लगती है। सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कौन से जगह से देख रहे हैं आप, कौन से शहर से देख रहे हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं रसीली सब्ज़ी। बेसन का जो मैंने जमाया था, जमाने के बाद उसको फ्राई किया था अच्छे से मसाले में, अब इसमें डाल दिया है बनाने के बाद, वो नाश्ते में इस्तेमाल कर लिया था। अब ये जो बचा है रसीली सब्ज़ी, इस तरीके से आप बनाएंगे। तो इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। कच्चे मसाले ऊपर से नहीं डालने हैं, मसाले वो अलग से फ्राई कर लेंगे। तो मैंने रखा है चमचा फ्राई करने के लिए, तो चमचा गरम हो गया है। इसमें डालेंगे कड़वा तेल आधा चमचा। अब इसको गरम कर लेंगे, और गरम करने के बाद जैसे दाल में तड़का लगाते हैं इसी तरीके से इसमें लगाऊंगी मैं तड़का। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, हींग, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और टर्मरिक पाउडर, इस तरीके से गरम मसाला, धनिया पाउडर। और लीजिए मसाला परफेक्ट तैयार हो गया है। अब इसमें मैं तड़का मार दूंगी। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तड़का बनकर तैयार हुआ है। और ये मार दिया इसमें तड़का, चटपटा मसालेदार। तो लीजिए गाइस रसीली सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी गरम मसाला, और स्वाद अनुसार नमक थोड़ा तीखा कर देंगे। तो इससे परफेक्ट रसीली सब्जी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है गाइस। चावल से अगर खाइएगा, चाहे तो आप रोटी से खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। तो गाइस आपको रसीली सब्जी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से जो बेसन जो है रस्से में घुलता नहीं है, और आप चाहे कितनी भी खोल लगा लीजिए, परफेक्ट बनकर तैयार हो गया।
तो इसके पीसेस ऐसा ही रहेंगे। इस तरीके से आप बना सकते हैं गैस बेसन की रसीली सब्ज़ी। तो आपको गैस रसीली सब्ज़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कौन से जगह से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, इस तरीके से गैस आप बना सकते हैं रसीली सब्ज़ी। तो लीजिए, मैंने सर्व कर ली है और इसके बेसन के टुकड़े आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं और अलग से बहुत ही ज़्यादा खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो रोटी के साथ या चावल के साथ आप खाइएगा और पनीर की सब्ज़ी से भी बढ़िया आपको ये सब्ज़ी लगेगी, सच मानिए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और गाइस, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है आप लोगों के आशीर्वाद से, तो इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिएगा ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स भी आगे और बढ़ें और मेरे व्यूज़ भी आगे बहुत ही ज़्यादा आएँ। तो मैं पूरा ब्लॉग करके डालूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।